मुख्यमंत्री स्वर्गीय केवी सहाय की जयंती समारोह। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केवी सहाय की जयंती समारोह राजधानी में मनाई गई, जहां पद्मश्री गोपाल प्रसाद, पूर्व जदयू LLC रणवीर नंदन सहित कई गणमान्य लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री केवी सहाय के किए गए कार्यों की सराहना की। मन में एक इच्छा उत्कंठा रहती है कि वह किसको फॉलो करे, तो कृष्ण वल्लभ बाबू को एकाध झलक हमने देखा था, महसूस किया था। और क्योंकि हमारा सौभाग्य था कि हमारा घर पड़ता है झारखंड में, और ठीक हमारे ददिहाल के बगल में ही जाते ऐसे राजनीतिज्ञ जिनका जीवन अनुकरणीय रहा है, हम जो एक्टिव राजनीति में हैं उनके अनुभवों को पढ़ने का कोई न मौका मिलता है और न कोई पुस्तक उपलब्ध। केवी सहाय जी के बारे में आज जब भी बात स्टार्ट होती है, श्री बाबू ने जब इनको रेवेन्यू मिनिस्टर बना दिया तो ये कौन फैसले के लिए जाने जाते हैं। आज जो बात हो रही है, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के कल्याण की बात हो रही है, और पूरी भारत की राजनीति आज सामाजिक समरसता पर टिकी हुई है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। वह जो ताकत है, वह जो फोर्स है सामाजिक समरसता की, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और आज राजनीति का स्वरूप बदल गया। लोग अभी कहते हैं कि चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, मतलब कि अब प्रोफेशन का महत्व नहीं है, अब मेहनत का महत्व है। मेहनत करके जो अंतिम पायदान पर भी व्यक्ति है, वह भी कल होकर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और नीतीश कुमार जैसे मेहनत दस इंसान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कैसे संभव हुआ? तो दो तीन शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संभव हुआ कि जब इनको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया तो केवी सहाय ने क्या किया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। अब आप समझिए कि वहीं से भारत में एक अंगड़ाई की शुरुआत हुई। जो नीचे स्तर के लोग थे, अंतिम पायदान के व्यक्ति थे, उनको भी एक राह मिली कि नहीं, हम भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। और भारत इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।